आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। बोली श्री 1008 भगवान की, बोली आचार्य श्री स्वाख्यान सागर महाराज की, बोली मुनि श्री स्वाख्यान सागर महाराज की, बोली मुनि संत की। आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां गुरु चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। सबसे पहले आचार्य श्री को 3 बार वंदन करता हूँ और आप सभी को जय जिनेन्द्र करता हूँ और अपने मिशन भाइयों का धन्यवाद हार्दिक दिल से करता हूँ। आइए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो मंगल वेशुषा मंगल में भगवान, मंगल जिनवर पद नमो मंगल हरिहंदे, मंगल कारी सीत पद सोवन दोसे, मंगल आचार्य मुनि मंगल मुरुव जाए, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचता, मंगल सरस्वती माता मंगल जिनवर धर, मंगल में मंगल करो हरो महाराज। दुनिया की बुराइयों से अक्सर दूर रहा करते हैं हम, दुनिया की बुराइयों से अक्सर दूर रहा करते हैं हम, इसीलिए गुरुदेव के चरणों की मस्ती में चूर रहा करते हैं हम। कोई मीरा कोई सीता कोई मैना बुलाता है, कोई मीरा कोई सीता कोई मैना बुलाता है, ऐसे ही कई नामों से मशहूर रहते हैं हम, ऐसे ही कई नामों से मशहूर रहते हैं। आइएगा चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। चांद सी सूरत पे गुरुवर दिल दीवाना हो गया, एक बार जोर से कर लगाएंगे, बोलिए जय श्री स्वाख्यान सागर महाराज की। 1 2 3 4
मंदिर में आओ, प्रवचन मुझे सुनाओ। तुम चलते फिरते तीरथ मेरे तन मन में बस जाओ। मुझे बल 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 याद गुरु की आवाज है। आचार्य सुमन सागर ने धन्य बनाए से। मुझे बल 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 याद गुरु की आवाज है। आचार्य सुमन सागर ने धन्य बनाए से। आरती के लिए सभी भक्तगण स्टेज के निकट आ जाएं, गुरुवर की आरती करेंगे। सभी से निवेदन, जो भी भक्तगण हैं कृपया आ जाएं। हेलो 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 ओम ओम हेलो 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 हेलो। ज्ञान सागर की गुण सागर की हमें मंगल दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतिया। ज्ञान सागर की गुण यागर की शुभ मंगल दीप जलाए के आज उतारे आरतिया। बीच गलिन में जाके तारन के द्वार
प्रभु का होगा, हरि जन्म प्रभु का होगा। चित्र पर विराजमान है, उनके मंगल सानिध्य में श्री जिनबिंब उत्थापन एवं वेदी प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने जा रहा है। हम सबका भाग्य भी है, सौभाग्य भी है कि गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी जैसे संत, उनकी कृपा दृष्टि इस क्षेत्र पर और इस क्षेत्र के निवासियों पर है। एक बार जोरदार जयकारा अतिशयकारी चंदा पर भगवान का लगाएंगे और एक जोरदार जयकारा परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का लगाएंगे, और उसके बाद में विलंब ना करते हुए हमारे जो आज के कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है जादूगर वी सम्राट, जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर हैं और देश विदेश में भी करीब 50 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, कई देशों में सरकारी स्तर पर भी यात्राएं कर चुके हैं, अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, वो आपके बीच में अपना मंचन करेंगे। बोलिए देवाधिदेव चंदाप्रभ भगवान की। अगर ऐसे जयकारा लगेगा तो लगता ही रहेगा, लगवाता ही रहूंगा, ऐसे तो फिर कार्यक्रम कैसे होगा। एक बार जोरदार जयकारा, दोनों हाथ ऊपर करके, तन से मन से प्राण से, अतिशयकारी देवाधिदेव चंदाप्रभ भगवान की, अतिशयकारी देवाधिदेव चंदाप्रभ भगवान की, अतिशयकारी देवाधिदेव चंदाप्रभ भगवान की, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। जादूगर वी सम्राट से निवेदन कर रहा हूं अपने कार्यक्रम को गति दे, कृपया पधारे। जादूगर और वी सम्राट, आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान ग्रहण करें और एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उस जादूगर का जिसे देखने के लिए आज हम यहां पर अपना कीमती समय बिता रहे हैं। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए शुरू करते हैं जादूगर वी सम्राट। जोरदार तालियों से स्वागत। लाइट व्हाइट रहने दे, सिर्फ व्हाइट।
हेलो। सबसे पहले प्रेम से बोलेंगे बोलो श्री श्री ज्ञान महाराज जी महाराज की। तो आइए दैट्स ओनली ट्रिक्स, ये एक मैजिक है लेकिन ये सब हाथ की सफाई है। अभी हमारा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हम आपसे यूं ही टाइम पास कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि थोड़े से मेहमान और आ जाएं, तो आइए अब तो टाइम से कार्यक्रम समाप्त शुरू करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम है। तो आइए एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत अंदाज और करते हैं आपके सामने। इससे पहले आइए हम आपको बताते हैं और बुलाते हैं मिस्टर टोनी आहूजा को। वही सम्राह वही। नमस्कार दोस्तों, बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आप आवाज बहुत धीरे लगाते हैं। अच्छा प्यार से बोल दीजिए, बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। प्यार से नहीं, आप गुस्से से बोलिए, मैं देखना चाहता हूँ गुस्सा कितना तेज है। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। गुस्सा बड़ा तेज है तुम्हारा है? अच्छा ये बताइए कि आप सब स्टेशन पर गए होंगे, कौन कौन स्टेशन पर गया आज तक, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। स्टेशन पर आप नहीं गए? गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेशन पर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आवाज आती है किसकी? जाते ही ट्रेन की आवाज आ जाती है, ट्रेन का तो इंतजार करना पड़ता है। आवाज आती है एक ऐसी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने वाली गाड़ी अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी, यात्रियों की सुविधा के लिए हमें खेद है। पिंग टोंग आती है और उसके पीछे आवाज आती है चाय वाले की, चाय वाला चाय बेचता है। किस प्रकार आवाज आती है उसकी? चाय 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 हाजी बाबू जी, चाय चाय हाजी भाई जी, चाय भाई साहब, चाय 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 खस्ता करारी चाय, हाजी चाय 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 चाय। ये चाय वाला जब चाय बेचता है तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की आवाज लगाता है। मेरा कहने का मतलब है कि सुबह 5 बजे जब वो उठकर आता है तो उसकी आवाज इस प्रकार होती है, चाय 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 हाजी भाजी, चाय हाजी भाजी, चाय 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 खस्ता कराई चाय, हाजी भाई सब चाय चाय लेंगे अभी भिजवा रहा हूं। और दोपहर या शाम को 5-6 बजे थोड़ा सा थक जाता है तब इसकी आवाज कैसे होती है, चाय हाजी भाई सब चाय, हाजी भाजी चाय, हाजी चाय, हाजी भाई जी चाय। लेकिन रात को 2:30-3 बजे कभी आप स्टेशन गए हो तो वहां पर यही चाय वाला थका मांदा सारे दिन का थका हुआ 2:30 बजे रात के जब आप पहुंचेंगे स्टेशन पर और कभी गाड़ी रुके तो चाय वाले की कैसी आवाज आती है, ध्यान दीजिएगा, पसंद आए तो ताली भी बजाइएगा। ये चाय वाला रात को थका मांदा किस प्रकार आवाज लगाता है, चाय चाय आज भाई सब चाय चाय खस्ता करारी चाय चाय चाय। धन्यवाद। और इसी के बीच आती है, हाँ इसी के बीच आती है ट्रेन। और ये ट्रेन अलग अलग जब हम ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन की आवाज अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की आती है। कभी आप जब ट्रेन पर बैठे होंगे लोहे के पुल पर जाती है तो अलग आवाज होती है। और यदि कभी आप बैठे हो दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही हो तो आवाज अलग होती है। कभी गुफा के अंदर जाती है तो इसकी आवाज अलग होती है। और कभी चढ़ाई चढ़ती है तो आवाज अलग होती है। स्टेशन से चलती है ट्रेन, आपके समक्ष पेश करने की कोशिश करता हूं। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है इसलिए आप सब मेरे साथ देंगे, ताली बजाकर मेरा हौसला अफजाई करेंगे जब आपको ट्रेन की आवाज पसंद आए तो। आप कहां से आए सुनिएगा, ट्रेन किस प्रकार चलती है स्टेशन से।
दूर चली गई। और जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करती है या लोहे के पुल पे जाती है तब आवाज कैसी होती है? दूर से ट्रेन आ रही है, ट्रेन दूर चली जाती है, ट्रेन गुफा के अंदर जाती है तो कैसी आवाज होती है सुनिएगा। अगर पसंद आए तभी ताली बजेगा, पसंद ना आए तो ताली ना बजेगा। मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। ट्रेन जब जाती है पुल के ऊपर, उसके बाद जाती है गुफा में, किस प्रकार? लोहे के पुल से। बहुत धन्यवाद, आइए लेकर चलते हैं आपको फिर उसी जादू की दुनिया में जहां से मैं आपको वापस ले आया था। कौन कौन जाना चाहेंगे जादू की दुनिया में? ताली दबाइए, ताली बजाइएगा जोरदार। आइए चलते हैं जादूगर और वीर सम्राट साहब के साथ, जादूगर और वीर सम्राट जो
नहीं अमृत।
हेलो चेक टेस्ट आवाज खोल दो हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक कम है देखिए फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जादू कैसा लग रहा है जाकर बताइए ना मुझे कैसे मालूम होगी आपको अच्छा लग रहा है आपकी ताली देगी गवाही इस बात की कि आपको जादू कैसा लग रहा है बजाइए जोरदार ताली अगर अच्छा लग रहा है देखिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा कोई टिकट नहीं कोई पैसा नहीं आपसे ली जा रही है सिर्फ ताली ताली की आवाज जो गूंजती है तो उस समय जो कलाकार होता है ना उसका हृदय गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है तो बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जोर से बोलिए श्री आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की महिमा अभी गुस्से से बोले थे अभी प्यार से कितना अच्छा लग रहा है अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पर माता पिता लोग मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको मैं बरनावे में पहले 40 दिन रहकर गया हूं अब से 10 या 15 साल पहले जब ये फिल्म सिटी था पता है आपको ये फिल्म सिटी हो गया था बरनावा किस किस को मालूम है बड़े बूढ़ों को तो मालूम है बच्चों को नहीं मालूम ये यहाँ पर सीडी फिल्में बना करती थी और टी सीरीज कंपनी ने यहाँ पर डेरा लगाया तीन चार फिल्में यहाँ बनी हैं जिसमें मैंने भी काम किया है हम आते थे यहाँ पर और मंदिर के बराबर में जो हॉल बना है वहां पर रहते थे वो बन रहा था जब आज तैयार है बनकर तब से मुझे इस बरनावे से लगाव है और यहाँ की जनता से भी बहुत प्यार है तो आइए मैं आपको बताता हूँ मेरा एक बेटा जब फोर्थ क्लास में पढ़ता था जब मैं यहाँ आया था मुझे वो बात याद आ गई यहाँ पर आने के बाद जब फोर्थ क्लास में मेरा बेटा पढ़ता था तब मैं यहाँ फिल्म सिटी पर मतलब यहाँ शूटिंग करने आया था तब मैंने उससे पूछा कि बेटे बड़े होकर क्या बनोगे हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों से पूछे कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे तो मैंने भी अपने बेटे से पूछा कि बेटे बड़े होकर क्या बनोगे तो तुतलाती आवाज में मेरा बेटा पता क्या बोला पापा पापा मैं ना बड़ा होके ना पायलट बनूंगा मैंने कहा अच्छा तू पायलट बनेगा अरे यार मैं तो तुझे पहलवान बनाने की सोच रहा था तू पायलट बनेगा ये पायलट क्या होता है तो पता मेरा बेटा क्या बोला पापा आपको नहीं पता पायलट है ना हवाई जहाज उड़ाता है मैंने कहा अच्छा पायलट हवाई जहाज उड़ाता है तो बेटे तू हवाई जहाज उड़ाएगा हाँ पापा मैंने कहा अच्छा चल मान लिया कि तू हवाई जहाज उड़ाएगा मुझे पता कैसे चलेगा कि तू कौन से हवाई जहाज में जा रहा है कौन से हवाई जहाज में आ रहा है हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता है ना ऊपर बच्चों हवाई जहाज कहाँ होता है ऊपर आसमान में कभी आप हवाई जहाज के नीचे तो नहीं आए चोट लग जाती है लगी किसी के चोट हवाई जहाज के नीचे आने से तो मैंने कहा बेटे जब हवाई जहाज ऊपर आप कौन से हवाई जहाज में जा रहे हो कौन से हवाई जहाज में आ रहे हो मुझे पता कैसे चलेगा तो पता तो तलाती आवाज में मेरा बेटा क्या बोला भोलेपन में सुनिएगा पापा पापा फिकर मत करो जब भी घर के ऊपर से जाऊंगा एक बम घर पे फेंक जाऊंगा ये है आजकल के बच्चे एक थे हाथी आइए लेकर चलते हैं आपको जादू की उस दुनिया में समय समय पर आता रहूंगा आपको हंसाता रहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए आ रहे हैं आपके बीच जादूगर वीर सम्राट कहाँ जा रहे हैं कहीं बाहर जाने का इरादा है क्या
जाइएगा नहीं, अभी और भी जादू दिखाने हैं। देखना चाहते हैं ना? देख लीजिए, ब्रीफकेस तैयार करके चले गए। बोलिए श्री, बोलिए आप कहाँ बैठ गए? यहाँ का लंगर आ रहा आपके लिए, अब समय नहीं बचा। बोलिए मेरे साथ जयकारा बोलेंगे सभी परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आइएगा, आप जब रात को घर पर सोते हैं तो कभी बाहर से कोई आवाज आती है? हाँ बच्चों, किसकी? कुत्ते की? गंदा बच्चा। आप बाहर से कौन सी आवाज सुनते हैं? चौकीदार की? कौन बोला चौकीदार की? चौकीदार आवाज लगाता है रात को, बिल्कुल सही कहा, और आपने भी सही कहा बेटा, कुत्ते की भी आवाज आती है। लेकिन ये आवाज पता कैसे आती है? पहले चौकीदार बोलता है, उसके पीछे सुर से सुर मिलाता है, कौन? कुत्ता। ये गाली भी है, क्योंकि ये गली का आवारा कुत्ता ये गली का आवारा कुत्ता रात को सुर से सुर मिलाता है, किसके साथ? चौकीदार के साथ। कैसे? मैं मिला के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चौकीदार रात को कहता है, जाते रहो मेरे भरोसे मत रहो। आवाज लगाता है ना, क्या कहता है चौकीदार? जाते रहो मेरे भरोसे मत रहो। वो इसीलिए कहता है जाते रहो कि उसके भरोसे मत रहो, क्योंकि वो एक गली में होगा, काम दूसरी गली में हो जाएगा। और उसके साथ सुर से सुर मिलाता है कुत्ता। वो पता क्या कहता है? वो बताऊंगा बाद में, लेकिन सुर कैसे मिलाता वो सुनिए। उधर से आवाज आती, आप कहां जा रहे हैं? ये ना, ये गली का आवारा कुत्ता चला गया। अभी एक गली का आवारा कुत्ता किस प्रकार आवाज लगाता है चौकीदार के पीछे, ध्यान से सुनिएगा। चौकीदार, जाते रहो कुत्ता। लगाता ना ऐसे, किस प्रकार? फिर सुनिएगा, और इधर जब हम शूटिंग करने आए थे तो गीदड़ भी थे उस समय, अब तो पता नहीं है, नहीं है, गीदड़ों की आवाज ऐसे आती है, ऐसी आती है ना। ये जो गली का आवारा कुत्ता है, ये गलियों में रहता है, लेकिन एक बहुत ही प्यारा कुत्ता, एक बहुत ही प्यारा कुत्ता, आवाज बोल दो पीछे, वो जो आवाज निकालता है, कैसी आवाज निकालता है, और वो कौन सा है? वो मैडम का प्यारा सफेद लंबे लंबे बालों वाला छोटा सा कुत्ता, उसका है जी। हाँ बोलिए बोलिए। पमेरियन, पमेरियन डॉगी किस प्रकार आवाज निकालता है? मैडम की गोद में, मैडम का बहुत प्यारा होता है वो, मैडम का इतना प्यारा होता है कि मैडम के वो होते हैं ना वो हस्बैंड, उन्हें खाना मिले या ना मिले, कुत्ते को मिल जाता है। तो ये बड़ा प्यारा होता है जब मैडम की गोद में होता है, मालूम कैसे इतराता है? कभी देखा इसे इतराते हुए? सुनिएगा, अब ये जो गली का आवारा कुत्ता है और ये मैडम का प्यारा कुत्ता है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। क्यों हो जाती है लड़ाई? वो अपने घर से इतराता है, वो सड़क से इतराता है, वो कहता है घर के बाहर मत आ जाइयो, वो कहता है घर से अंदर मत आ जाइयो। कैसे? ध्यान दीजिए, गली का आवारा कुत्ता, डिले, गली का आवारा कुत्ता इधर इधर, और मैडम का प्यारा कुत्ता इधर इधर, गली का आवारा।
एक बात मेरी याद आ रही, रिपीट रिपीट, एक बात और आ गई मुझे, वो बाद में बताऊंगा क्योंकि इशारा आ गया है, जादूगर साहब के हाथ कुल बुला रहे हैं आपको जादू दिखाने के लिए, तो ताली बजा के बताइए जादू चलेगा, बुलाएं जादूगर साहब को, तो आ रहे हैं हमारे बीच जादूगर
थारो छे जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो। हेलो, चलिए और आइए। यहाँ पर बहुत ही गणमान्य, बहुत ही पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं, आइए। और इस भाई कॉर्डलेस जरा हेलो। तो आइए, मैं यहां से सबसे पहले बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, और इसी कड़ी में मैं आज सबसे पहले हेलो भाई साहब, ये कैप लगा के भाई साहब बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए। मुझे बहुत दिनों से आपकी तलाश थी। आइए हमारे साथ, निकल के आगे आइए। आपका शुभ नाम क्या है ब्रदर? हाँ, यही सामने आ जाइए आप। हाँ ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है जी? रौनक जी, आपको पता है रौनक जी, आज जो है यहाँ पर हम किस संदर्भ में आए हैं? हेलो हेलो, आज हम क्यों आए हैं? आप क्या नाम बताया आपने? रौनक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बन्नावा के रहने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे जी? अच्छा, तो आपको पता है कि हमारे पूज्य महाराज जी का नाम क्या है? क्या बात है! और कुछ मालूम है इसके बारे में आपको? नहीं मालूम है? देखिए, डिजिटल का जमाना है, हम कुछ भी लिख देते हैं बाई मैजिक पावर, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है दोस्त, और आपने जो अभी बताया वो मैं जादू डिजिटल से लिख रहा हूं। आपको कुछ नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? नहीं, और यह मंत्र लग गया, अब आप पढ़ सकते हैं। नहीं आपने, आइए हम आपको मैजिक पावर से पढ़ाते हैं। दरअसल ये सब हमारे पूजनीय महाराज
ज्ञान सागर जी के सानिध्य में ये सब भंडारा और ये सब संस्कृति जो हमारे जैन समाज की संस्कृति है उसको हम आगे बरकरार रखें। ये निरंतर जो है वो गत वर्षों की बात इस वर्ष भी चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं डिजिटल मैसेज नाउ सी रेडी बैंड। बड़े भाई पढ़ने में आ रहा है? थैंक यू। याद रखिए आप बरनावा के रहने वाले हैं, कोई पूछे आप देश विदेश में कहीं पर भी जाएं और बरनावा एक ऐसी जगह है यहाँ सभी धर्मों के सभी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा जैन समाज का एक यहाँ बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ देश और विदेश के सभी जैन बंधु आते हैं और यहाँ महाराज जी का मंदिर में आशीर्वाद लेके। थैंक यू, शुक्रिया। अब आइए मैं बात करता हूँ हमारे पास इधर से के अभी हमारे पास इधर से एक बच्ची आएगी जिसे अपना नाम बताना आता हो, जो डरती नहीं हो। आप डरते नहीं हो? आजा 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 आजा, शाबाश। देखो बहादुर बच्ची है, एक ये बहादुर बच्ची बैठी है, आपको डर तो नहीं लगता है? आजा आजा, देखते हैं कौन शेर है। आजा ऊपर, शाबाश। आपको डर तो नहीं लगता है? नहीं। ये तो मुझे डरा रही है। आपका नाम क्या है बेटे? विधि। बड़ी स्मार्ट लग रही हो। थैंक यू। आजकल बच्ची हाजिर जवाब है, कितना सुंदर जवाब है। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कैसी हो? ठीक है। बहुत दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, सोचा मिल लिया जाए। और हाँ, एक बात मालूम है, हम आपके घर गए? नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। फिर हमें भी नहीं मालूम। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? तानिया जैन। अरे वाह तानिया, और आपने क्या बताया था? विधि जैन। विधि जैन। विधि जैन, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ, अब दोनों में से किसी ने हवा खाई है? नहीं। आपने? नहीं। आप लोगों ने हवा खाई है? नहीं? नहीं, मिली नहीं, नहीं तो खाएंगे क्या? आप कभी हवा में झूले हैं, हवा में सोए हैं, हवा में उड़े हैं? हाँ। आपको हम हवा में सुला दें तो आप डरेंगे तो नहीं? नहीं। आप? नहीं। लगता है मुझे दोनों को उड़ाना पड़ेगा, दोनों को सुलाना पड़ेगा। आइए इतिहास, कभी इतिहास के पन्ने को खोले तो हजारों हजार साल पुरानी आपको वो कहानी याद आएगी जिसमें मिस्र देश की सहजादियों को हवा में सुला दिया जाता, हवा में लेटा दिया जाता, हवा में खाती थी और हवा में खेला करती थी। तो आइए हम आपको बताते हैं, और इस दो जो नन्नी जान है इनको बनाते हैं मिस्र की सहजादी।
हेलो इधर आओ। क्या हुआ बेटा? डर लग रहा था। जोर से बोलो। डर लग रहा था। काहे का? कोई बात नहीं, आप वहां से बैठ के जादू देखो। हमारे पास एक दूसरी शेरनी है, बैठो आप वहां। आ जाए बेटा। हेलो, आपको मालूम है जब हमारे पास आए यहाँ आने के बाद आप कहाँ गए थे, कुछ आपको पता है? नहीं नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, सामने देखो। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। इस बेटी ने हमारी स्टेज पर आके बहुत सहयोग किया। बच्ची और बच्ची के गार्जियन की हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस बिटिया की नाम की जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, क्या हुआ? जाओ। और चूंकि मेरा बहुत सूक्ष्म परिचय है, मैं जादूगर बी सम्राट, और मैं भी राजस्थान का सिकावटी जैन बनिया हूं, और मैं देश विदेश में चाहता हूं अपने देश का, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, अपने मेरठ का नाम यूं ही रोशन करता रहूं। और पंकज भाई साहब मेरे आदरणीय, परम आदरणीय बड़े भाई हैं, परिवार का मुझे सदस्य मानते हैं। उन्होंने मुझे आदेश किया और मैं आपके यहाँ रूबरू हो रहा हूं। हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत अंदाज। तो सबसे पहले अच्छा ये बताइए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है? ओके, आइए मैं आपको टप्पू सेना के स्कूल में मैंने एक छोटा सा आइटम दिखाया था, द रेन ऑफ रूबीज। मैं बहुत ही प्यारा खूबसूरत अंदाज अभी आपके सामने पेश करता हूं, और इसके लिए इधर आओ, जो अभी खड़े हुए थे आप इधर आओ। अरे हम बुला रहे हैं तो आप आइए। कौन बच्चा आएगा हमारे पास छोटा सा नाम बताने के लिए? बच्चे को बुलाया था, बच्चे के बाप को नहीं। हाँ आ जाओ।
ए भाई जब भी हमारी स्टेज पे कोई बच्चा या बच्ची आती है तो सबसे पहले हम उसके बारे में तहकीकात करते हैं, मालूमात करते हैं, क्योंकि साइंस का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं, पहनावे उड़ावे में कोई अंतर नहीं। तो आइए मैं इनसे पहले पूछ लेता हूं, ये लड़की है लड़का, मैं उसी ढंग से काम करूंगा। लड़की देखा, चलो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना अभी सब गड़बड़ हो जाता। एक बिटिया रानी हमारे पास आई हुई है। हेलो बेटी, आप यहाँ किसी को जानती हो? नहीं। इस लड़की को कोई जानता है? कोई नहीं जानता। हेलो, आप जानते हैं? आपकी बहन है? अच्छा, तो आप लड़की हो? आप लड़की हो? कौन हो? लड़का। मजाक करता है हमसे? मजाक करता है, सही बोलो। लड़का। मम्मी ने बताया? नहीं। इसका मतलब है मम्मी को भी नहीं मालूम। अब क्या किया जाए? अब ऐसा करते हैं, मैं इन जनाब से नाम पूछ लेता हूं, सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। आपका नाम क्या है? वंश। वहां से हाथ हटाओ, उल्टा सीधा हाथ नहीं रखना कोई। क्या है नीचे? सीधा हाथ। वंश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? यूकेजी। पढ़ने के बाद डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, अब बड़े होकर क्या करोगे? शादी। ए, मस्करेबाजी नहीं बेटा, शादी वो करते हैं जो बड़े हो जाते हैं। आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी शादी होगी या नहीं? जी। तो अभी से क्यों परेशान? हो जाएगी यार। क्या नाम बताया आपने? अपना नाम क्या है आपका? वंश। चलो, ये वंश बड़ा हो गया और इसकी शादी भी हो गई। शादी होने से पहले लोग काम करते हैं और जो शादी होने से पहले काम नहीं करते हैं उनको शादी की बात तो करने करना पड़ता है। उसका कारण सिंपल है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या और खिलाएंगे क्या। तो बेटे शादी के बाद कुछ काम करोगे? जी। यहाँ सबको बताओ शादी के बाद क्या करोगी? बच्ची। ये तो हमसे बड़ा जादूगर लग रहा है। इसकी हिम्मत देखिए, इसका हौसला देखिए और इसकी पर्सनालिटी देखिए। ये पहले ये करेगा और ये करने के बाद फिर ये वो करेगा। ये कुछ भी करे मैं इसके झांसे में आने वाला नहीं हूं, नहीं तो ये मुझे खड़े खड़े यही फंसा देगा। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। आपके पास कितना पैसा है? बोलो, पैसा है या नहीं? आपके पास कोई पैसा है? नहीं। नहीं, चलिए आइए। इसने इतना मेरा टाइम खराब कर दिया और अब मैं इससे कोई सवालात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक जवाब दे सकता है। कहां के रहने वाले हो? यही। मुझे पक्का पता है कि ये बरनाला का ही रहने वाला है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा खूबसूरत अंदाज। द रेन ऑफ रुपीज टप्पू सेना के स्कूल में एक छोटा सा हिंदुस्तान के कई, इसमें तीन चार जादूगर थे। मैं भी, मुझे भी टाइम दिया गया था, तीन चार मिनट का आइटम था, अपना अपना दिखाने का था। आइए मैं वो आइटम आपको समर्पित करता हूँ। प्यारा खूबसूरत अंदाज देखिए, मस्ती के साथ देखिए। Up.
हेलो, अच्छा ये बताओ क्या नाम बताया था आपने? वंश। अगर आपको इतने पैसे मिल जाए तो इतने पैसे का क्या करोगे बेटा? शादी। इसकी तो सुई वहीं अटक गई, पैसे कम है शादी के लिए और मंगा देते हैं। पैसा छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, ये पैसा चीज ही ऐसी है, बंदे की एक बार आ जाए तो मरते दम तक नहीं छोड़ता है। पैसा छोड़ दो, खड़े हो जाओ और इधर आओ। अभी आपके पास कितना पैसा है? है या नहीं? नहीं। देखो ये बच्चा कितना स्मार्ट और कितना डिजिटल है, बिल्कुल ये कैशलेस है। हंसिएगा नहीं भाई साहब, जमाना इसी का है। अगर किसी का ट्रांजेक्शन करना है, लेन देन करना है, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, NEFT वगैरह वगैरह, जिनके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो डिजिटल, और जब देश बढ़ेगा तो हम सब पढ़ेंगे, इसलिए डिजिटल बनाइए और कैशलेस रखिए। देखिए ये देखिए, हाथ पकड़िए और इस पे आप कोई भी चीज खरीदेंगे, आप मन में जाके बोलेंगे कि जादू अंकल के पास पैसे नकली थे। आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपको पैसा इसमें से कुछ भी चीज मिल जाएगी। एक बार इस बेटे के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इसको जेब में रख देना, देखो वो दोस्त अभी पकड़ के ऐसे बैठ जाना ऊपर जाके, जेब में रख लो इसको, शाबाश, चलो बैठ जाओ जेब में रखो, जाओ जाओ, चलो चलो, शाबाश। और अरे हाँ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत अंदाज, बैठ जाओ शांत, आराम से शांत होके। और एक और प्यारा सा खूबसूरत अंदाज हम आपको बताते हैं और देखते हैं। ये क्यों, ये पीछे कौन कर रहा बच्चा इसके से? मैं बता दे रहा हूं कि इस बच्चे को कोई छेड़ना नहीं है। कोई पकड़ के यहाँ खींच दे, कोई ऐसे कर दे, कोई ऐसे कर दे, कोई ऐसे कर दे। मुझे मालूम है आप सब लोगों की नजर बहुत बराबर बनी होंगी कि कब शो खत्म हो जाए और कब बच्चे के पकड़े में इधर से उधर कर दो, कुछ निकलेगा नहीं, जो निकल लगता वो यही निकल गया। आइए और मिलते हैं बहुत ही प्यारे एक गेम के साथ, चुटकुले के साथ, मिस्टर टोनी आहूजा जी। हाँ जो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? ताली बजाकर बताइए ना, अच्छा लग रहा है? मैं बैठा हुआ यही देख रहा था कि बच्चे आजकल के कितने चतुर चालाक हो गए हैं। एक बार एक हाथी और चूहे की दोस्ती हो गई। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। एक हाथी और एक चूहे की दोस्ती हो गई। हाथी तालाब में नहा रहा था, क्या कर रहा था हाथी? नहाई नहाई कर रहा था। कहां पर? तालाब में। उसका दोस्त चूहा आया। कौन आया? चूहा आया और बहुत ही गुस्से में हाथी से बोला, ए हाथी बाहर निकल, अबे बाहर निकल, मैं कह रहा हूं नहा रहा हूं तालाब में, बाहर निकल। हाथी ने पूछा, क्या बात हो गई भैया? अबे मैं कह रहा हूं बाहर निकल तालाब में से। हाथी डरता डराता बाहर निकल के आया तो चूहा उससे पता क्या बोला? चल जा नहा ले। अबे जा नहा ले, नहा ले, नहा ले, नहा ले, हमारे राज में नहाना। हाथी बोला, भाई क्या बात है, जब तुम आए मेरे दोस्त, जब तुम आए तुमने इतनी जोर से चिल्लाकर मुझसे कहा बाहर आओ, मैं डर गया,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कहने से बाहर आ गया। अब तुम कह रहे हो कि अंदर जाके नहा लो, बात क्या है? अरे नहा ले यार, नहा ले कोई बात। अरे भाई साहब बात तो बताओ, चूहे राजा बात तो बताओ, हाथी ने पूछा, अरे बात तो बताओ। तो पता चूहा क्या बोला? अरे भाई मैं देख रहा था तुमने मेरा अंडरवियर तो नहीं डाल रखा। एक बार हम अलीगढ़ गए शो पर, शो था हमारा अलीगढ़ जहां पर नुमाइश लगती है, वहां पर एक पंखे वाला पंखा बेच रहा था, बहुत गर्मी थी और पंखे वाला आवाज लगा लगा कर पंखे बेच रहा था। पता क्या कह रहा था? अरे भाई साहब पंखे लीजिए, अरे भाई साहब पंखे लीजिए, ₹5 का एक पंखा, 5 साल की गारंटी, ₹5 का एक पंखा, 5 साल की गारंटी, लीजिए पंखे लीजिए। मैंने कहा यार ₹5 का पंखा, 5 साल की गारंटी, आजकल तो आदमी की गारंटी नहीं है, तुम 5 साल की गारंटी दे रही हो? हाँ जी भाई साहब 5 साल की गारंटी है, ₹5 का पंखा। मैंने दो पंखे ले लिए और दो पंखे लेकर के मैं सीट पर बैठ गया अपनी, और जब सीट पर बैठा तो मुझे गर्मी लगी, मैंने कहा पंखा कर लेता हूं। मैंने पंखा लिया और अपने आगे घुमाया, कैसे घुमाया देखिएगा, ऐसे पंखा पकड़ा ऐसे घुमाया, पंखा टूट गया। मैंने दूसरा पंखा उठाया उसे घुमाया, मैंने कहा हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो। मैंने दूसरा पंखा उठाया उसे भी अपने मुंह के आगे ऐसे घुमाया, 2 मिनट में वो भी टूट गया। मैं भागा भागा पंखे वाले के पास गया, मैंने कहा पंखे वाले भैया तुम तो यार बड़े झूठे हो, 5 साल की गारंटी दे रही थी तो 5 सेकंड में टूट गया, ऐसे कैसे पंखे दे रहे हो? कह रहा भाई साहब आपने कैसे पंखा किया था? मैंने कहा लो इसमें कौन सी बात है, पंखा हाथ में पकड़ा मुंडी के सामने रखा और घुमा दिया, ये तो 2 सेकंड में टूट गया। कह रहा अच्छा जी तुमने इसकी खासियत नहीं बताई थी? मैंने कहा नहीं भैया आपने तो ₹10 लिए, 2 पंखे दे दिए, आपने मुझे खासियत क्या बताई? कह रहा भाई साहब इसकी खासियत क्या सुन लेते। मैंने कहा बता दो भैया। कहता है इस पंखे को पंखे करने का तरीका ये नहीं है कि आप ऐसे ऐसे घुमाओ। मैंने कहा और कैसे? कह रहा इसे रखो मुंडी के सामने और मुंडी हिलाओ, मैं पंखा टूटेगा नहीं। आइएगा लेकर चलते हैं आपको फिर से उसी अंदाज के बीच जादूगर और वी सम्राट साहब के साथ आ रहे हैं हमारे बीच जादूगर और वी सम्राट। जादूगर साहब कह रहे हैं कि कोई हंसा नहीं, आपको अच्छे लग रहे हैं चुटकुले लगे? एक बार मियां बीवी की बात बता दूं, ये घर की बात होती है वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग अपने आप We'll be right back.
हेलो ठीक हेलो ओके। और अब हमारे पास इधर से देखो बहुत देर होगी नहीं तो बोलेंगे जादू अंकल ने पीछे वाले बच्चों को नहीं बुलाया। इधर से एक बच्ची हमारे पास आ जाए 6-7 आप लड़के 6-7-8 कोई भी एक बच्ची हमारे पास आ जाए अपना नाम बताने के लिए। अरे वाह तालियां बजाओ ताली आ जाओ दो आओ शाबाश आगे आओ दौड़ के आओ शाबाश बहुत अच्छी बच्ची है आ जाओ क्या हुआ ओके बाद में नहीं कहना जादू अंकल ने हमें नहीं बुलाया अभी एक फिर बैट कर ले नहीं तो आपका नंबर तो है ये देखो एक बहादुर बच्ची पहले से तैयार है बाद में नहीं कहना भाई कि ये सामने बच्ची बैठी आपके ये हाँ बहन जी आपकी हाँ आओ इधर आओ हमारे पास क्या हुआ आप बच्ची नहीं है इधर आओ शाबाश आओ तालियां बजाओ भाई इसके लिए हेलो सर हेलो आपका नाम क्या है हेलो इन विच क्लास गुड अच्छा ये बताओ अभी इतना डिले क्यों हुआ आने में नहीं मालूम ओके प्रिया जी इधर आओ शाबाश अच्छा बेटे ये बताओ आप खाने में क्या लेते हो रोटी दाल रोटी बहुत अच्छी बात है और आप मानते हैं कि सभी को शुद्ध शाकाहारी होनी चाहिए होना चाहिए किसी भी तरीके से तांबा वाली चीजें या मीट मांस मछली अंडा इन सब का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए अच्छा नाम क्या बताया प्रिया अच्छा प्रिया ये बताओ ठंडे गर्म में आजकल गर्मी है ठंडे में क्या लेते हो ठंडा है है जैन साहब करिए व्यवस्था बच्ची के लिए ठंडे में क्या कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज लीजिए फरमाइश पूरी कीजिए भाई साहब बच्ची की प्रिया ऑरेंज आपको अच्छा लगता है बच्चियों को ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है चलिए प्रिया आप टास्क दिया जाता है इसको ओपन कीजिए और एक टास्क दिया जाता है बाकी बच्चे वहां से 1 2 3 4 5 करेंगे देखते हैं कि प्रिया टास्क कितने कम सेकंडों में पूरा कर दिया अब आपका समय शुरू होता है अब नाउ सी रेडी 1 2 3 यस 1 कितना कितना ओके प्रिया जी बताइए आपका पहले बताइए कोल्ड ड्रिंक कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा तो हमने अपने बच्चों को पिलाया अच्छा ठीक है तो वो खाली जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल था वो कहां आपने रखा इसके अंदर है प्रिया वो कोल्ड ड्रिंक का जो आपने बोतल पिया है खाली का वो निकालिए वही बोतल निकालिए क्या है प्रिया आप एयर्थ में पढ़ती हो झूठ नहीं बोलते हैं अभी आपने पिया या नहीं पिया तो कोल्ड ड्रिंक का खाली बोतल कहाँ है पॉकेट में तो नहीं आपकी ऐसा तो नहीं है कुछ और पीने का मन हो इसलिए झूठ बोल रही नहीं? नहीं? नहीं कुछ और पीना है देख लो
आइए मैं आपको बताता हूं, अगर हमारी प्रिया जैसी बच्ची देश में होगी तो हमारा देश कभी गंदा हो ही नहीं सकता। हम क्लास में कुछ भी खाते हैं, बिस्किट रैपर, और आगे वाले बच्चा या बच्ची के पीछे धीरे से या धीरे से उसके बैग में पकड़ गया तो ठीक, किसने गया, हमने तो नहीं किया, लेकिन इस प्रिया ने कोल्ड ड्रिंक को पिया और वो बोतल डस्टबिन में ऐसे डाला जैसे पता ही नहीं चला इसके अंदर क्या है। चाहते हैं कि हमारी प्रिया जैसी बच्ची अगर देश में है तो हमारा देश कभी गंदा हो ही नहीं सकता है, न गंदा करिए न गंदा करिए और न ही गंदा होना। अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि खाना खाने से पहले बेटा हाथ धो लो तो ये कोई मजहब का मसला नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में गंदा करना। Thank you.
आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? दो लाल, दो लाल, सो लाल। अच्छा मैं तो समझे दो लाल, मैं पूछने वाला था एक कहाँ है। अच्छा लाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा कार्यक्रम लग रहा है भाई साहब? जरा लाइट कम कर लो। हाँ अब आप ये बताइए, शादी हो गई? हो गई। कितने बच्चे? दो। लाल साहब अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऐसा आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौका है और आपसे कहा जाए कि आप अगर मौका लगता है हनीमून के लिए तो पहले लाल साहब ये बताइए आप देश में जाएंगे या विदेश में? देश में। ये हनीमून मनाने के लिए देश में जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन दोस्त देश में कौन सी ऐसी जगह है? एक एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। गोवा। क्या बात है, लाल साहब हनीमून मनाने जाएंगे गोवा में। गोवा। हेलो सर, चेंज करेंगे या फाइनल है? फाइनल है, याद रखिए गोवा ये हनीमून मनाने जाएंगे। अगर आपके पास गाड़ी अभी नहीं है, कोई गाड़ी है नहीं है, अगर आपकी लॉटरी निकल आए और ये सब लोग पूछें आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, देश की या विदेश की, एक गाड़ी मिलने वाली है आपको, बताइए देश की, तो देश की गाड़ी कौन सी कंपनी का लेना चाहेंगे आप? आप बताइए। ओडी, उससे नीचे नीचे रहेगा। क्या बात है, देखिए अगर इनकी लॉटरी निकलती है तो इनको गाड़ी चाहिए ओडी। फाइनल है ओडी। आप ये बताइए उस गाड़ी का कलर क्या होना चाहिए? आप अपने मन से बताइए। व्हाइट, सफेद रंग की ओडी, यानी ओडी और रंग है सफेद। वेरी गुड। लाल साहब ये बताइए गोवा में हनीमून मनाने तो जाएंगे, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गोवा में हम अकेले जाएंगे तो हमें डर लगेगा, अपने दोस्त को साथ किसी को ले जाएंगे या अकेले जाएंगे? ये पहला चांस हिंदुस्तान में कि हनीमून मनाने लाल साहब अपने दोस्त के साथ भी जाएंगे। दोस्त का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रमोद जैन के साथ ये हनीमून मनाने जाएंगे गोवा में। तो भाभी जी को नहीं ले जाएंगे? भाभी जी को भी ले जाएंगे लेकिन हेल्प के लिए ले जाएंगे ये प्रमोद जी। ओके देखिए भाई, अब इधर आ जाइए आप लाल साहब, आइए इधर आइए। अभी आप लोग याद रखिएगा, इन्हें गाड़ी ओडी चाहिए, उसका कलर सफेद, ऊपर आ जाइए, और हनीमून मनाने ये देश में जाएंगे, और देश में जो नाम है वो है गोवा। ये अकेले नहीं जाएंगे, ये अपने दोस्त जो इनके बहुत ही अजीज हैं, दिलों जान से जिनको बहुत लगाव है, पैदा करते हैं, प्रमोद जी हर काम में शरीक करते हैं उनको, प्रमोद जी बड़ा लकी है आप। और ये देखिए आप बहुत देर से देख रहे हैं, ये जो हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, ये कम से कम जब से शो शुरू हुआ है ये तभी से बॉक्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स को हम टेबल पर रखते हैं। प्रमोद साहब ये देखिए आगे आ जाइए, इसमें ताला लगा है, चाबी जो है अरे छोड़िए लीजिए, चाबी नहीं, लगता है कुछ बड़ा खजाना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ माल है। प्रमोद साहब इसको खोल दीजिए,
खुलेगा आराम से खुलिए प्यार से खुलिए आइए सर ये इसको खोलिए आप क्या है ओ सॉरी लाल साहब खोलिए ओ एक ही बात है कोई बात इस बॉक्स का सबसे छोटा बॉक्स है और देखिए जरा खोलिए इसे तो आप हनीमून मनाने कहां गए जाएंगे गोवा गोवा और गाड़ी कौन सी इसमें है ओडी ओडी कलर कौन सा है सफेद सफेद और दोस्त कौन से हैं प्रमोद जैन ये देखिए गोवा में जाएंगे हनीमून मनाने ओडी गाड़ी चाहिए कलर है सफेद और प्रमोद जैन जी के साथ जाना नहीं भूलेंगे दैट्स मेंटल मैजिक सिर्फ ओनली 5 मिनट मुझे पता है केवल 5 मिनट के लिए रुक सकते हैं आप 5 मिनट ओनली केवल 5 मिनट ओनली 5 मिनट आइए एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा संदेश लिखे हैं अच्छा ये बताइए गोकुल से बच्चे आए हुए हैं बच्चे लोग ये हमारे पास क्या है फ्रेम अब आप दिल से बताइए आप सभी लोग किसको सबसे ज्यादा आप यहां दिल से प्यार करते हैं किसी गुरु को माना आपने आप बताइए आचार्य ज्ञान सागर जी बच्चे प्रेम से बोलो
बोलो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की। देखो नजर आया नहीं? अरे प्यार से बोलो, ये बच्चे इतने बैठे हुए हैं सर, ऐसे नहीं। यस अब बोलिए बच्चों, अरे बोलो कि ज्ञान सागर महाराज जी आ जाए, ऐसे बोलो ना यार, ऐसे आ जाएंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, देखो इतने प्यार से दिल से बोला है, आप लोग भी बोलिए। यस नाउ सी एवरीवन, देखिए जैन साहब यहां पर महाराज जी के दर्शन हुए हैं। ये दिल से निकली हुई बात है, आइए। ओंकार महामंत्रणमोकार नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जप ले नौ बार। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए, खुल गए मोक्ष महल के द्वार। ओंकार ओंकार महामंत्र ओंकार। बोले देवाधिदेव चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जादूगर वी सम्राट का आपने कार्यक्रम देखा, अगर आपको पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें। और अति से क्षेत्र बरनावा की कमेटी की ओर से हम आपका तिलक लगाकर माल्यार्पण कर सम्मान कर रहे हैं, कृपया आए। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जादूगर वीर सम्राट हमारे इस बरनावा अतिशय क्षेत्र में पधारे, और जहां चंदा बाबा रोज नए चमत्कार दिखाते हैं वहां आपने अपने जादू के माध्यम से हम सबका मनोरंजन किया, बच्चों का मनोरंजन किया। जोरदार तालियां बजाकर हम जादूगर वीर सम्राट का अभिनंदन करते हैं। एक मोमेंट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए देवाधिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, बोले प्रभु पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। शुभ रात्रि। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष।